अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू तरन्नुम किचन। आप सबने कीमा आलू की रेसिपी कई बार बनाया होगा, लेकिन इस बार ज़रूर ट्राई करिए खड़े मसाले वाली कीमा आलू की रेसिपी। आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है, ये बहुत ही लजीज बनती है ये रेसिपी। तो ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, और पैन में हल्का सा डालेंगे तेल, करीब 2 चम्मच के करीब डालेंगे तेल। ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने चर्बी वाला कीमा इस्तेमाल किया है, तो तेल कम ही डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 स्टार मसाला और 6-7 मैंने लौंग ली है, और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर साबुत जीरा लिया है। तो इन सभी मसाले को आप डाल दीजिए तेल में, और डालने के बाद इसको हल्का सा भूनेंगे हम खड़े मसाले को। करीब 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे, जो इसे अच्छे खुशबू जो है इसका आ जाएगा अच्छे से तेल के अंदर। और 1 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, खड़े मसाले वाली कीमा आलू की रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगी। जैसे देखने अच्छे से मसाला मैंने भून लिया है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। तो मैंने 3 बड़े प्याज को चॉप करके यहाँ पर लिया है, और यहाँ डाल देंगे इसको प्याज को, और इसको हल्का सा हम प्याज को हल्का सा लाल करेंगे। ज़्यादा हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही हमें इसे सौते करना है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ प्याज जो है वो हल्का सा यहाँ पे भूनते हुए लाल हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जब इतना प्याज हो जाए इस कलर के, यानी कि गुलाबी हल्का सा दिख रहा है, तो इस टाइम पर हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और करीब 1 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो अच्छे से भून जाए, प्याज के साथ में इसका कच्चापन भी निकल जाएगा और भून भी जाएगा। चलिए जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर अच्छे से भून गया है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे कीमा। तो यहाँ पर मैंने कीमा करीब 1 kg के हिसाब से लिया है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये बहुत ही चर्बी वाला कीमा लिया है मैंने, इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में तेल कम इस्तेमाल किया है। और ये कीमा मैंने बीफ का लिया है, आप चाहे तो मटन या फिर चिकन का भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है। और इसमें डालकर अच्छे से हम हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट के अंदर में, और फिर इसके बाद हम छोड़ देंगे क्योंकि पानी बहुत रिलीज करता है, तो अच्छे से ये कुक हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से मैंने मिला लिया है, और इसके बाद हम इसको ढक करके रख देंगे हाई फ्लेम पर करीब 5 से 6 मिनट के लिए, जिसका इसका पानी जैसे सूख जाए। जैसे कि देख रहे हैं पानी यहाँ पे लगभग सूख चुका है इसके अंदर, और बस चर्बी है दिख रहा है इसके अंदर। तो बस इस टाइम पे हम डाल देंगे कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाले में मैंने क्या क्या लिया है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे मसाले में 1 चम्मच मैंने लिया है 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसके बाद मैंने लिया है कूटी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने लिया धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, और हल्दी मैंने लिया है 1/2 छोटी चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार। तो तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जब मिर्ची इसमें ऐड करें तो तीखा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें, क्योंकि तीखा ही बहुत ही बढ़िया लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। कीमा की रेसिपी हो और टेस्टी यानी कि तीखा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें तीखा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, और इन मसालों को डाल के अच्छे से हम इसको हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए अच्छे से हम भून लेंगे। और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से भून गया है, ये इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे 3 बड़े टमाटर को यहाँ पे इस तरीके से कट कर लिया है छोटे छोटे, और इसको हम डाल देंगे, और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर को डालकर कीमा में। और मिलाने के बाद इसको हम अच्छे से ढक करके रख देंगे, ताकि अच्छे से कीमा में भुन जाए मसाला भी और टमाटर भी। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हरा मिर्च भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसे भी अच्छा फ्लेवर आता है हरा मिर्च का, तो इसमें ज़रूर ऐड करें आपको पसंद है तो, लेकिन ज़रूर इसमें ऐड करिएगा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अब चलिए इसको ढक करके रख देते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम करीब 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे से जो हमारा मसाला है अच्छे से भुन गया है कीमा के अंदर, और टमाटर भी देख सकते हैं लगभग थोड़ा थोड़ा गल चुका है, कीमा तो लगभग भुन चुका है। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं, मैंने यहाँ पे लिया है आलू। तो मैंने यहाँ पे 2-3 बड़े आलू को यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे कट कर लिया है, तो इस तरीके से डाल देंगे काट के, और फिर इसको डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे कीमा के अंदर। और फिर इसको मिलाने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो अभी मिनटों में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं, बस लास्ट में आप इसमें आलू ऐड करें। अब आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है कीमा के अंदर, तो चलिए अब पानी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो 1 कप या फिर 1.5 कप भर कर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, ताकि आलू और कीमा दोनों अच्छे से गल जाए। तो चलिए यहाँ पे मैंने 1 कप डाल दिया है, और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, और थोड़े से पानी इसके अंदर हम और ऐड करेंगे। तो आप अपने हिसाब से
पानी इसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पे थोड़ी सी पानी हम डाल देंगे, करीब आधा कप के करीब डाल देंगे। और जैसे कि देख रहे हैं ऐसे से मैंने मिला लिया है। अब चलिए इसको हम ढक करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे करीब 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये गल जाए हमारा आलू और कीमा भी। 5-7 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे लगभग हमारा जो आलू है वो गल चुका है और थोड़ा सा कसर बाकी है। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे इसके अंदर, मैंने यहाँ पे लिया है दही, तो इसके अंदर दही डालने से बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसमें हम डाल देंगे दही, तो 3-4 चम्मच के करीब हम डाल देंगे इसके अंदर दही। और दही हम बाद में डाल रहे हैं, क्योंकि दही डालने के बाद आलू डालेंगे इसके अंदर तो आलू नहीं गलता है, थोड़ा खट्टापन से आलू जो है वो गलता नहीं है। तो इसी वजह से हम पहले हम आलू ऐड करेंगे और बाद में हम इसके अंदर दही डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने दही डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और इसे डालने के बाद, इसको डालने के बाद हम इसके अंदर हम डालेंगे, मैंने यहाँ पर लिया है प्याज की कुछ इस तरीके से लंबे लंबे, मैंने यहाँ पर स्लाइस में कट कर लिया है। थोड़ी सी हरा मिर्च डालेंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कच्चा प्याज का भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो ज़रूर इसमें ऐड करें। और इसे डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे, ताकि जो बचा हुआ जो कसर है आलू का वो भी गल जाए। तो थोड़े से करीब आधा कप से भी कम पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर इसको मिलाने के बाद इसको ढक करके रख देंगे। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी इसमें पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं मैंने अच्छे से मिला लिया है। और मिलाने के बाद इसको हम चलिए ढक करके रख देंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए। और जैसे कि देख रहे हैं 2 से 3 मिनट यहाँ पे हो चुका है, और हमारा यहाँ पे खड़े मसाले वाली कीमा आलू की रेसिपी बनकर रेडी है। और देख सकते हैं अच्छे से बनकर रेडी है। तो चलिए हम देख भी लेते हैं यहाँ पे कि हमारा जो आलू है अच्छे से गला है कि नहीं गला है। तो एक आलू ले लेते हैं, और जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो आलू है बहुत ही अच्छे से मैंने कट किया है, तो अच्छे से एकदम ये गल चुका है। और जैसे देख रहे हैं कि बस बनकर हमारा यहाँ पे रेडी है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है बंद करेंगे, और इसके अंदर हम डाल देंगे, अच्छे से हम डालेंगे भरकर इसके अंदर चॉप किया हुआ हरा धनिया। इसे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ज़रूर इसके अंदर ऐड करें आप। और एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा खड़े मसाले वाली आलू कीमा की रेसिपी। और ये खाने में जितना टेस्टी है उससे ज़्यादा बनाना आसान है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है ये खड़े मसाले वाली कीमा आलू की रेसिपी। तो चलिए हम गर्मा गर्म इसे एक बोल में सर्व करते हैं, और इस सर्दी इसे एंजॉय करिए आप सब। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म रोटी या पराठे या फिर नान किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा, ज़रूर ट्राई करिए। जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से एक बोल में सर्व कर लिया है, और बनकर हमारा यहाँ पर रेडी है आपके खड़े मसाले वाली कीमा आलू की रेसिपी। तो इंजॉय करिए, और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे एक कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।